एक्टर यश की कन्नड़ फिल्म केजीएफ की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के बाद फिल्म मेकर ने इसके अगले चैप्टर को आगे बढ़ाने की सोची है। जी हाँ, जल्द ही इस फिल्म का सीक्वल केजीएफ 2 दर्शकों के सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी केजीएफ 2 का बेसब्री से इंतजार है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिल्म केजीएफ को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज है। इस फिल्म का रिलीज होते ही इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। केजीएफ को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट 80 करोड़ था और फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ से अधिक की कमाई की है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि केजीएफ 2 में बॉलीवुड के संजू बाबा यानी सुपरस्टार संजय दत्त नजर आने वाले हैं। इस बात को खुद फिल्म स्टार यश ने कंफर्म किया है। खबर यह भी है कि इस फिल्म में एक बार फिर से संजय दत्त का नेगेटिव अवतार देखने को मिलेगा। बता दें, केजीएफ की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स अब इस फिल्म के सीक्वल के लिए कई एक्टर्स के साथ बातचीत में व्यस्त हैं। यश, जिन्होंने इस फिल्म में रॉकी भाई की भूमिका निभाई है, उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि फिल्म की टीम ने संजय दत्त को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है। यश ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा, हमने उन्हें केजीएफ चैप्टर 1 के लिए भी रोल ऑफर किया था जो वो स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि उनके साथ शायद डेट्स की समस्या थी। हमने उन्हें इस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए भी अपना ऑफर भेजा है। फिल्मी बीट की रिपोर्ट के अनुसार केजीएफ 2 में संजय दत्त नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के पहले ही संजय दत्त को कई बॉलीवुड फिल्मों में नेगेटिव रोल करते देखा जा चुका है। फिल्म खलनायक संजय दत्त की पहली बार नेगेटिव किरदार वाली फिल्म थी। बता दें कि संजय दत्त को पहले भाग के लिए भी अप्रोच किया गया था लेकिन उनके पास डेट्स न होने के कारण उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि संजय दत्त ने इस फिल्म में इसलिए काम नहीं किया था क्योंकि ये एक रीजनल फिल्म थी और यश को कर्नाटक के बाहर कोई नहीं जानता था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले भले ही यश एक रीजनल एक्टर रहे हों लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद उन्हें एक स्टार के रूप में जाना जा रहा है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार रवीना इस फिल्म में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आ सकती हैं। ये किरदार काफी अहम होगा। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है जिसको प्रशांत नील निर्देशित कर रहे हैं। बता दें कि रवीना टंडन के पति अनिल अदानी इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिल्म केजीएफ 2 भागों में बनाई गई जिसका पहला भाग लोगों को बहुत पसंद आया। अब दूसरे भाग को बनाने की तैयारी है और जल्द ही दूसरा भाग दर्शकों को देखने को मिलेगा। इस फिल्म में अभिनेता यश मुख्य भूमिका में है। फिल्म केजीएफ को दर्शकों ने इस वजह से बहुत पसंद किया क्योंकि फिल्म में अभिनय के साथ साथ दमदार एक्शन भी था। इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। फिल्म केजीएफ को शाहरुख की फिल्म जीरो से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी लेकिन केजीएफ के आगे जीरो फ्लॉप हो गई और फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि केजीएफ जल्द से जल्द रिलीज हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।